प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को संबोधित किया। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 88वां एपिसोड था। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि देश को एक प्रधानमंत्री संग्रहालय मिला है, इसे देश के लोगों के लिए खोल दिया गया है। पीएम संग्रहालय से प्रधानमंत्रियों से जुड़ी रोचक जानकारियां मिल रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इससे लोगों में इतिहास को लेकर दिलचस्पी बढ़ रही है। इस दौरान उन्होंने देश भर से जुड़े म्यूजियम के बारे में सवाल भी किए। पीएम मोदी ने #म्यूजियमक्विज का इस्तेमाल करके नमो ऐप और सोशल मीडिया पर सवालों के जवाब देने की अपील की है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने देशवासियों से कई सवाल किए हैं। आपको बता दें, इनमें से पीएम मोदी ने पहला सवाल किया है कि किस शहर में एक रेल म्यूजियम है जहां 45 साल से लोग भारतीय रेल की विरासत देख रहे हैं। पीएम मोदी का दूसरा सवाल था, मुंबई में कौन सा म्यूजियम है जहां करेंसी का इवोल्यूशन देखने को मिलता है। यहां 6वीं शताब्दी के सिक्कों के साथ ई मनी भी मौजूद है। इसके बाद पीएम मोदी ने अपना तीसरा सवाल किया। पीएम मोदी का तीसरा सवाल था, विरासत खालसा किस म्यूजियम से जुड़ा है और ये म्यूजियम पंजाब के किस शहर में मौजूद है। पीएम मोदी का चौथा सवाल है, देश का एकमात्र काइट म्यूजियम कहाँ है, यहाँ रखी सबसे बड़ी पतंग का आकार 22x16 फीट है। इसके बाद पीएम मोदी का पांचवा सवाल है, भारत में डाक टिकट से जुड़ा नेशनल म्यूजियम कहाँ है। छठा सवाल पीएम मोदी का, गुलशन महल नाम की इमारत में कौन सा म्यूजियम है। पीएम मोदी का सातवां और आखिरी सवाल जो लोगों से किया गया है वो है, भारत की टेक्सटाइल से जुड़ी विरासत को सेलिब्रेट करता है वो कहाँ है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कैशलेस पेमेंट के फायदे भी गिनाए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी की ताकत कैसे सामान्य लोगों का जीवन बदल रही है, ये हमें हमारे आसपास लगातार नजर आ रहा है। पिछले कुछ सालों में भीम UPI तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था और आदतों का हिस्सा बन गया है। पीएम मोदी ने कहा कि अब तो छोटे छोटे शहरों में और ज्यादातर गाँव में भी लोग UPI से ही लेन देन कर रहे हैं। डिजिटल इकोनॉमी से देश में एक कल्चर भी पैदा हो रहा है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में एक श्लोक का जिक्र करते हुए गणित विषय की चर्चा की। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, यत किंचित वस्तु तत् सर्वम् गणितेन बिना नहीं, अर्थात इस संसार में जो कुछ भी है सब गणित पर आधारित है। पीएम मोदी ने कहा कि कोलकाता के गौरव टेकरीवाल से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि गौरव पिछले 2.5 दशक से वैदिक गणित के मूवमेंट को समर्पण के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमने इससे योग को जोड़ा जिससे बच्चे आंख बंद करके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि सभी माता पिता को अपने बच्चों को वैदिक गणित जरूर सिखाना चाहिए, इससे उनके मन में गणित के प्रति बना डर निकलेगा। मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पानी की उपलब्धता और पानी की किल्लत ये किसी भी देश की प्रगति और गति को निर्धारित करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आपने भी गौर किया होगा कि मन की बात में मैं स्वच्छता जैसे विषयों के साथ ही बार बार जल संरक्षण की बात जरूर करता हूँ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें 1 इंडिया हिंदी के साथ।